देखो, जिन स्टूडेंट ने NUES में अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एडमिशन ले रखा है 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, आप लोग का देखो TMA सबमिशन स्टार्ट है। अगर आपने अभी तक अपना TMA जमा नहीं कराया है या फिर आपने TMA अभी तक बनाया नहीं है तो TMA आप लोग अपना बना लो, और 31 जुलाई से पहले पहले अपना TMA आपको अपलोड कर देना है वेबसाइट पर, क्योंकि 31 तारीख के बाद आप लोग का TMA जमा नहीं होगा। उस केस में यहाँ पे पोर्टल क्लोज हो जाएगा, यानी कि पोर्टल बंद हो जाएगा और आप लोग TMA को मिस कर जाओगे। उस केस में आपको 1550 रुपये पर सब्जेक्ट आपको TMA जमा कराने की फ़ीस देने होंगे। तो अगर आपने देखो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एडमिशन ले रखे हो और अगर आपको TMA अभी तक आपने नहीं बनाया है, अपलोड नहीं किया है, तो TMA को अपलोड कर लो, और TMA के क्वेश्चन पेपर को निकालना है तो TMA के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो। और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, कि TMA के क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करते हैं, और TMA अगर आपने बना लिया है तो TMA को आप लोग कैसे वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो, NUES के वेबसाइट पे PDF कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखा है। तो आप लोग PDF का वाला लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रंट सीट कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यानी कि जो भी आप लोग का TMA के रिगार्डिंग जो आपको प्रॉब्लम आती है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। एक बार और सुन लो, 31 जुलाई से पहले पहले आप लोग को अपना TMA जमा करा देना है, चाहे आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो अक्टूबर नवंबर 2023 के या 12वीं क्लास के, ठीक है, 31 जुलाई याद रखना, ठीक है। अब देखो, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में एडमिशन लिया है, और जिनके पास प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है, यानी कि जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट शीट कब तक आएगी, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होता क्या है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम NUES कैसे कंडक्ट करवाती है, और आप लोग की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है वो कहाँ पर होती है, हॉल टिकट कब तक आता है, रिजल्ट कब तक आता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझेंगे। दूसरे नंबर पर हम ये समझेंगे कि आप लोग का जो थ्योरी एग्ज़ाम होना है अक्टूबर नवंबर में वो कब तक होगा और उसकी डेट क्या है, कब से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, जो थ्योरी एग्ज़ाम की अभी आप लोग की फाइनल डेट शीट आने वाली है वो कब तक आएगी, और हॉल टिकट कब तक आएगा, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट कब तक आता है, कितने दिनों में आप लोग का रिजल्ट NUES डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हम ये भी बात कर लेंगे कि आप लोग की जो ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, वो आपको कब मिलेगा NUES से। और डिजी लॉकर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स कि डिजी लॉकर पे हमारा मार्कशीट कब तक आएगा, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिटेल में समझने वाले हैं, और मेरे हिसाब से आप लोग के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम देना है, ठीक है, जो एडमिशन ले रखे हैं 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, उन लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा ना आप लोग का सितंबर में होगा, ठीक है, सितंबर में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, और इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताऊँ तो इससे भी पहले ना आप लोग का होता है PCP प्रैक्टिकल क्लासेस, ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको भी बताऊँगा। देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले ना 5 PCP क्लासेस चलाती है NUES, जिसको आपको लेना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बोला है कि आप लोग का सितंबर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, लेकिन उससे भी पहले क्या होगा, उससे पहले आप लोग का PCP क्लासेस चलेगा, 5 PCP क्लासेस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, जिसमें आपको अपने स्टडी सेंटर इन क्लासेस को लेके जाने हैं, जिसके आपको मार्क्स ये जो आपके स्टडी सेंटर वाले होंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स के नाम से जानते हैं, और ये मार्क्स कम से कम आपका 5 या 6 नंबर का होता है। तो देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले ना आप लोग का PCP क्लासेस होने वाला है, जो कि अगस्त के एंड में मेरे हिसाब से होगा, और उसके रिगार्डिंग अभी नोटिफिकेशन आपकी आनी बाकी है, ठीक है। जब आप लोग की 5 PCP क्लासेस हो जाएगी, ठीक है, आपको अटैम्प्ट भी करना है, कंपलसरी होता है ये, जब आप लोग की 5 PCP क्लासेस हो जाएगी उसके बाद आप लोग का सितंबर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और सितंबर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा ना, उससे पहले आप लोग की प्रैक्टिकल की डेट शीट आ जाएगी। अब डेट शीट में क्या होता है ना कि आपको टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि 10 तारीख से लेते 13 तारीख के बीच में इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, लेकिन वहाँ पे एक एग्जैक्ट डेट नहीं दिया जाता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका किस डेट से होगा, वो चीज़ें आपको अपने स्टडी सेंटर से पता करना होता है। अभी डिटेल में आपको उसमें समझाऊँगा। देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा आप लोग का, मैंने बताया कि आप लोग का सितंबर में होगा, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कौन करवाता है, ये चीज़ हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना आप लोग के स्टडी सेंटर में होता है, और जो स्टडी सेंटर के आपके टीचर होते हैं ना वही आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एडमिशन ले रखा है,
जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं सितंबर में, आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होगा? आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा आपके सरी सेंटर में। कौन करवाएगा? तो जो आपके सरी सेंटर वाले हैं वही करवाएंगे। अब देखो, वो ना आपको एक हॉल टिकट आता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, जिसमें आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि 13 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में आपका इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है। लेकिन जो आपके टीचर होंगे सरी सेंटर वाले, वो आपको डिसाइड करेंगे कि किस डेट पर आपको प्रैक्टिकल डेट किस डेट पर आपको प्रैक्टिकल देने आना है, ठीक है, और किस टाइम आना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात करें कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होता क्या है। तो देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होता क्या है, नॉर्मली कि आप लोग को जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि ज्योग्राफी है आपके पास, तो ज्योग्राफी में एक टॉपिक आपको उठा के दे देंगे आपके टीचर, वो आपको टीचर ही बताएंगे आपके जो स्टडी सेंटर के होते हैं, वो आपको ज्योग्राफी में आपको एक से टॉपिक उठा के दे देंगे और इस पर बोलेंगे कि आपको फाइल बनाना है। जैसे आप फाइल बनाते हो ना 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में, जैसे आप फाइल बनाते हो उसी तरीके से यहाँ पर भी फाइल बनवाएंगे वो, और आपको फाइल बना के आपको कहेंगे कि इस डेट पर आपको आना है, इस टाइम पे आना है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो पहले नंबर पर क्या होगा कि आपको जिस भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है उस सब्जेक्ट का फाइल बनेगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा कि आपकी डेट शीट आएगी, जो कि आपके स्टडी सेंटर वाले आपको बताएंगे, उसी डेट पर उसी टाइम पर आपको प्रैक्टिकल फाइल लेके जाना होगा, प्रैक्टिकल फाइल आप वहाँ पर जमा कराओगे। दूसरे नंबर पर क्या होगा, तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो कि आपके स्टडी सेंटर के जो टीचर होंगे वो आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन पेपर देंगे और बोलेंगे कि आपको इतने घंटे में आपको अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या होगा, तो वाइवा होगा। तीसरे नंबर पर आप लोग का वाइवा होगा, जिसमें आपका जिस भी टॉपिक पे आपने फाइल बनाया है उस पर आपको जो आपके टीचर होंगे वो आपके पूछेंगे कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी में जलवायु के ऊपर बताओगे, बनाओगे अपना फाइल, तो उस केस में जलवायु से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे, जिसे हम वाइवा कहते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने स्टेट में चलता है, देखो पहले पे आप लोग का टॉपिक डिसाइड होगा, फाइल बनेगा, फाइल बनाने के बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आप लोग का जो है आप लोग का वाइवा होगा, ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की मार्क्स को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो मार्क्स है ना, आपका जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो उसके ठीक 15 दिन बाद आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, तो जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर में अभी एडमिशन ले रखे हैं, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सितंबर में देंगे, आप लोग का जो मार्क्स है ना वो आपके टीचर ही देंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का। कितने दिनों में मिलेगा, तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप लोग के ये मार्क्स चढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाया है जो कि आपके काम की है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ना 2 सबमेटिव होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है सबमेटिव असेसमेंट। तो इन दोनों में भी डिफरेंट यहाँ पे समझते चलो। देखो, सबमेटिव असेसमेंट जो होता है ना आप लोग का, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा ना उसे ही हम सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ना आप लोग का जो पीसीपी क्लासेस चलेगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले पीसीपी क्लासेस चलेगा, वो होता है आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखो, सबमेटिव असेसमेंट में क्या होता है, ये ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, 20 नंबर के हो सकते हैं, 30 नंबर के हो सकते हैं, 60 नंबर के हो सकते हैं, और जितनी आप मेहनत करोगे ना उतने उसके अकॉर्डिंग आपको ये मार्क्स मिलेंगे। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होते हैं ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपके टीचर के पास होते हैं, ठीक है। ये हालांकि 5 नंबर या 6 नंबर का होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर का होगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपके टीचर के पास होते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है कि आप उनको देना है मार्क्स आपको कि नहीं देना है, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर आपकी सारी क्वेरी कंप्लीट हो गई है, कुछ रह गया होगा तो कमेंट में बता देना, उसे हम दोबारा से कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद आप लोग का होगा थ्योरी एग्ज़ाम, और थ्योरी एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है कि कब से आप लोग का होने वाला है। तो चलो उस नोटिफिकेशन को निकाल लेते हैं। ये देखो, ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपको बताया गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एडमिशन लिया है 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, उनका थ्योरी एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताता हूँ। देखो, यहाँ पे दिया गया है, द नेक्स्ट एनुअल पब्लिक एग्जामिनेशन थ्योरी फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज फॉर अक्टूबर 2023 इज़ लाइकली टू कमेंस फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 1 अक्टूबर से या 6 अक्टूबर से आप लोग का जो थ्योरी एग्ज़ाम होना है वो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि थ्योरी एग्ज़ाम की आप लोग की डेट शीट कब तक आएगी। तो देखो, थ्योरी की जो डेट शीट आती है ना आप लोग की फाइनल वाली, वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आता है, ठीक है, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आता है। और एग्ज़ाम आप लोग का कब शुरू होने वाला है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का थ्योरी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बोला गया है और कन्फर्म है कि फर्स्ट वीक में आप लोग का शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम, 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी। वो अलग बात है कि आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, आपका हो सकता है कि 12 से हो, 13 से हो, 10 से हो, लेकिन
एग्ज़ाम जो है 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के अक्टूबर नवंबर सेशन वाले अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। अब फाइनल डेट शीट की बात करें तो फाइनल डेट शीट आता है एक महीना पहले। ये देखो, ये पिछले साल का है डेट शीट। फाइनल जो डेट शीट आप लोग की आएगी ना, वो एक महीना पहले आएगा। और एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाला है आपको पता है? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम का फाइनल डेट शीट आएगा। ठीक है, ये देखोगे लास्ट ईयर का डिटेल देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है। ये देखो 12 अक्टूबर से पिछले साल का दिखा रहा है कि एग्ज़ाम शुरू हो गया था। ठीक है, 12 अक्टूबर से शुरू हो गया था एग्ज़ाम, और अभी जो बोला गया है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू होगा। ठीक है, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग की फाइनल डेट शीट आ जाएगी, और जब भी आएगी मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म भी करूँगा। ठीक है, तो इससे पहले ना देखो आप लोग की फाइनल डेट शीट आएगी ना, उसके बाद आप लोग की यहाँ पर हॉल टिकट आएगा, जिसे आप लोग एडमिट कार्ड भी कहते हो। ये कितने दिनों पहले आता है? तो एग्ज़ाम से आप लोग का 7 दिन पहले हॉल टिकट आता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि आप लोग का पहला एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को हुआ। ठीक है, पकड़ में आता है कि आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो और आपका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को होने वाला है। तो आप लोग का क्या है ना कि 5 या 4 तारीख को, यानी कि 5 या 4 अक्टूबर को यहाँ पे एनवीएस जो है आप लोग की हॉल टिकट रिलीज कर देगी। यानी कि एक हफ्ता पहले जो है एनवीएस आप लोग की हॉल टिकट को रिलीज करती है। हॉल टिकट एडमिट कार्ड दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग की थ्योरी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ये आपका पता चल चुका है। अब देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम सेंटर होता है और थ्योरी एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम सेंटर होता है, क्या वो सेम होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना आप लोग का, जो आप लोग का स्टडी सेंटर होता है ना, वहीं पर होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का जो स्टडी सेंटर आपको मिला हुआ है वहीं पर होगा। ठीक है, लेकिन थ्योरी का जो एग्ज़ाम है ना, ये एनवीएस आप लोग की कंडक्ट करवाती है, और एनवीएस अपने हिसाब को आपसे, यानी कि अपने हिसाब से वो आपको सीट देती है। जैसे कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हो उसमें आपको सीट अलॉट करती है। ठीक है, जो भी यहाँ पे सीट अवेलेबल होता है उसमें आपको देती है। जैसे कि ईस्ट दिल्ली में रहते हो और आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एनवीएस के लिए काम कर रहे होंगे, थ्योरी एग्ज़ाम करवा रहे होंगे आपके, उसमें आप लोग का नाम आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो अलग होता है, और थ्योरी एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो अलग होता है। दोनों अलग होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, तो थ्योरी एग्ज़ाम से रिलेटेड और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट की बात करें, अब देखो यहाँ पर हम ये भी जानते चलते हैं कि आप लोग का रिजल्ट कितने दिनों में आएगा। जो अक्टूबर नवंबर में थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, डेट बता दिया मैंने आपको, फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। और आप लोग का देखो एग्ज़ाम का यहाँ पे जो रिजल्ट है थ्योरी एग्ज़ाम का, वो कब तक आएगा इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो नॉर्मली जो है ना, एनवीएस ने यही डिक्लेयर कर रखा है कि हम लोग जो पब्लिक एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि अभी आप लोग का अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम अभी होने वाला है, इस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ना, एनवीएस ने कह रखा है कि हम 1.5 महीने के अंदर अंदर निकाल देते हैं। 10वीं क्लास का भी पब्लिश कर देते हैं और 12वीं क्लास का भी पब्लिश कर देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे 1.5 महीना में तो मुश्किल ही यहाँ पे रिजल्ट आप लोग का आता है, 1.5 महीना से ज़्यादा ही लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो अभी जो रिजल्ट आया ना, ये आया है अप्रैल मई का, और ये लगभग 2 महीने के लपेट में आया है। ठीक है, 8 मई को इनका एग्ज़ाम था लास्ट, और इनका रिजल्ट आया है 25 मई को और 23 मई को, 23 जून को, 23 जून को और 25 जून को इनका रिजल्ट आया है। देखो रिजल्ट की रिगार्डिंग क्या है ना, एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि 1.5 महीने के अंदर अंदर ही आ जाएगा। कई बार क्या होता है 2 महीने भी लग जाते हैं, 2 महीने से ज़्यादा भी लग जाते हैं। लेकिन जो पब्लिक एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है ना, देखो आता कैसे, मैं आपको ये समझाता हूँ। पब्लिक एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ना, सबसे पहले तो 12वीं क्लास का आता है, क्योंकि 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को ना अगर कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना होता है, और उसी समय जो है ना कॉलेज वगैरह फॉर्म भी निकालती है एडमिशन की, इस वजह से जो है ना ये जो एनवीएस क्या करती है, 12वीं क्लास का रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर देती है और 10वीं क्लास का 2-3 दिन पहले डिक्लेयर करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो अप्रैल मई का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था ना, वो 23 तारीख को आ गया था, 23 जून को आ गया था 12वीं क्लास का, और 25 जून को है ना यहाँ पे 10वीं क्लास का आया था। तो ऐसे करती है एनवीएस, और रिजल्ट के लिए तो अभी बहुत टाइम है। हालांकि देखो ये सब नॉलेज आपको रखना बहुत जरूरी है कि रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखो यहाँ पर हम ये भी बात करते चलते हैं कि आप लोग की जो डिजी लॉकर पर मार्कशीट है वो कितने दिनों में आती है। तो डिजी लॉकर पर जो मार्कशीट है ना, वो हर जगह वैलिड होता है, आपको पता ही है। और ये जो है ना आप लोग की मार्कशीट आती है रिजल्ट आने के 2 हफ्ते के बाद। ठीक है, 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट आप लोग का डिजी लॉकर पर आ जाता है। और मार्कशीट के साथ साथ आप लोग का क्या होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट भी आपको डिजी लॉकर पर मिलते हैं अगर आप पास हो तो। फेल होंगे तो उस केस में सिर्फ आपको मार्कशीट मिलेगा डिजी लॉकर पर। कितने दिनों में आता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,
यहाँ पे 2 से 3 हफ्ता लग जाता है डिजी लॉकर पे मार्कशीट आने में आपकी, ठीक है। जैसे कि अभी इनका नहीं आया है अप्रैल मई वालों का, इनका भी आएगा मंडे टू सैटरडे के बीच में, तो मैं इनको भी इन्फॉर्म करूँगा वीडियो बना के। अब देखो, हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और नोट डाउन करते चलो कि ओरिजिनल मार्कशीट जो आपको मिली है एनयूएस से, सबसे पहले आप ये समझो कि आपको जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, रिजल्ट आ जाता है, पास हो जाते हो, तो उस केस में आपको एनयूएस से जो मिलता है ना, एक तो मार्कशीट मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, तीसरा आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये तीनों सर्टिफिकेट जो है ना, आप लोग को कितने दिनों में मिलता है ये समझ लो। तो देखो, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल जो मार्कशीट है जो कि एनयूएस से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो रिजल्ट आने के 2 महीने बाद आती है। कैसे मिलता है ये भी बता दूँ आपको, तो ये आप लोग के बाई पोस्ट आपके घर पर आता है पहले। बाई चांस अगर आप नहीं ले पाते हो बाई पोस्ट, तो उस केस में आप लोग को आपके स्टडी सेंटर से कलेक्ट करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग की मार्कशीट कलेक्ट होती है, और इन सब के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है। तो मेरे हिसाब से ना, आप लोग के जितने भी क्वेश्चन थे अक्टूबर नवंबर 2023 के रिलेटेड, थ्योरी एग्ज़ाम हो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, रिजल्ट हो, मार्कशीट हो, सब के ऊपर यहाँ पे हमने बात कर लिया है। कुछ रह गया है आपको, कुछ ऐसा लगता है कि इसमें बात होनी चाहिए थी, वो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोग के लिए कोशिश करूँगा कि उसे भी हम कवर कर लेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल देखो, अगर कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है इंस्टाग्राम पर तो कर सकते हो, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे अपडेट के साथ, तब तक आप लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो।